गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितरीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदान श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को चरण में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे रासलीला की महात्म को, कद भगवान की चार माधुर्य है। चार माधुर्य में एक माधुर्य है लीला माधुर्य और एक है प्रेम माधुर्य, तीसरा है बंसी माधुर्य, चौथा है उनकी रूप माधुर्य। कहते चार माधुर्य में उसमें जो एक माधुर्य है वो उनकी लीला माधुर्य है। श्री रूप गोस्वामी लीला माधुर्य के लिए उदाहरण देते हैं, संति यद्यपि मैं लीला प्रच्या मनोहरा नाही जाने स्मृति रासे मन में किधर स्वभावित। उसमें उदाहरण देते हैं, कृष्ण कह रहे हैं यद्यपि मेरे बहुत सारी लीला है अनंत लीला भगवान की, लेकिन उसमें जो मेरी रासलीला है कृष्ण कह रहे हैं, पता नहीं जब मैं रासलीला के बारे में मैं सोचता हूँ पता नहीं मेरे मन में क्या क्या जाने क्या क्या होने लग जाता है, क्योंकि रासेश्वर श्रीमती राधा रानी गोपियों की प्रेम है। इसलिए कृष्णा जो रासलीला में कृष्णा जो एक जो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी, ये यथा माम प्रपदन्ते तामस तथैव भजामि हम, तात्पर्य यह है मेरे को जो जैसे भजन करता है मैं उसको ठीक वैसे ही भजन करता हूँ। एक आना भजन करे उसको एक आना प्रेम देता हूँ, दो आना करे दो आना की देता हूँ, तीन आना करे तीन आना देता हूँ। लेकिन कृष्ण सब जगह में तो ये प्रतिज्ञा उनने किया है, लेकिन ये प्रतिज्ञा टूट गया कहाँ पर, बोले रासलीला। इसलिए कृष्ण को बोलना पड़ा नपारे अहम निरबद्ध संजुजाम सुसाधु कृत विबुधाय वसापि, हे गोपियाँ ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के भी मैं कभी तुम्हारी ऋणियों को चुका नहीं सकता हूँ, क्योंकि तुम लोग मेरे लिए जो त्याग दिया है हैं सारा दुनिया को भाई बंधु पिता पुत्र परिवार सब कुछ तुम लोगों ने त्याग दे करके एक पैंट होकर के मेरे को तुम लोगों ने भजन किया है एक पैंट होकर के। तो कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अगर ये श्लोक अगर लागू करे तो यद्यपि सब भक्त में ये लागू हो सकती है, लेकिन पूर्ण रूप में जब इसको लागू करेंगे ये केवल ब्रज गोपियों में ही लागू होता है। इसलिए कृष्ण कहते मैं कभी तुम्हारी ऋणी से कभी ऋणी हो ही नहीं सकता हूं। इसलिए एक उदाहरण देकर समझाते हैं, कहते कोई एक पहलवान था वो सब जगह में डी हांकता था, कोई हो तो आ जाओ मेरे साथ में दो हाथ कर लो, लेकिन जहां एक सर है ना कहीं सवा सर मिल ही जाते हैं। अभी ऐसे करते करते कहीं सवा सर का पल्ले में पड़ गया, बोल रहा था कोई होता आ जाओ कोई होता आ जाओ लड़ाई के लिए,
लेकिन इस सवा शरीर वाला आकर के वो लड़ाई क्या करेगा, उसको पंजे में इसे पंजा मिलाया, मिला करके वो सवा शरीर वाला था उसका हाथ पे इसे दबाया, दबा करके एक झटका लगाया ना, वो पूरा उसको चरणों को नीचे गिर पड़ा। फिर बोला भैया न पा रहे हम, भैया तेरे साथ में मैं पार नहीं पाऊंगा, तेरे साथ में युद्ध नहीं कर सकता हूँ। इसलिए एक सर कौन है, बोले कृष्णा। बोले सभा सर कौन है, बोले गोपियां। सब जगह में तो कृष्णा अपना अभिमान किया, लेकिन जब गोपियों के पास में कृष्ण आए, बास कृष्ण बोले न पा रहे हम निरबद्ध संजुजा, हे गोपियां तुम लोगों का ऋणी से कभी मैं ऋणी हो ही नहीं सकता हूं। इसलिए कहते ये रासलीला में ही, ये चीज रासलीला में ही देखने को मिलता है। इसलिए पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान अपि तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरंतु मनश्चक्रे योग मायांग मुपाश्रिता। कदी ये एक श्लोक के ऊपर में हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जीव गोस्वामी ये लोग बड़ी विस्तृत व्याख्या करते हैं। पहले हम श्रवण कर रहे थे भगवान अपि, मतलब भगवान होते हुए भी, मतलब जो परिपूर्ण है, जिसको ब्रह्मा कहते हैं अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम जन्मित्र परमानंदं पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कृष्ण कौन है, वो पूर्ण है, वो ब्रह्म है, कृष्ण सनातन है। लेकिन वो होते हुए भी है, कृष्ण पूर्ण होते हुए भी उन्होंने रासलीला किया है, है? उन्होंने रासलीला किया है। बोले उन्होंने रासलीला क्यों की है, बोले कारण है जब उन्होंने गोपियों के हृदय में भावना को उन्होंने देखा, इसलिए यहाँ पर बताए भगवान अपि तारात्रि है। तारात्रि मतलब यहाँ पर जो तारात्रि है बहुवचन है, इसमें तीन अर्थ किया है। ता मतलब बोले जब गोपियों ने एक महीना तक जब उनने कात्यायनी व्रत की है, कात्यायनी महामाये महाजोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नम, जब इस श्लोक में उन लोगों ने एक महीना तक, उन लोगों ने एक महीना तक उन्होंने ये व्रत को किए। क्या नहीं आ रही,